पानी पानी भगवान यहाँ पे तो पानी भी नहीं, मैं भी लाती हूँ सास, ठीक है पानी ला। पूछना पूछना क्या है, वो मुझे मना नहीं करेंगी, आप उतार दो बस। ठीक है। चलो अंदर कमरे में आए, अलमारी के ऊपर जाओ लेके आओ। ये तो वही कमरा है, फाल्गुनी ने कहा था स्टोर रूम। जाओ। लड्डू दरवाजा खोलो, देखो ऐसे शैतानी नहीं करते। लड्डू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार डालूंगी। मैं खून कर दूंगी। बस बताओ। मैंने सुशांत को अंदर कमरे में बंद किया। मैं मार डालूंगी। खून कर दूंगी। बस मत आना। मैं छोड़ूंगी नहीं। भाग जा यहां से। मैं तो डर गई। मैंने डंडा फेंक दिया। सब ठीक है। अरे कुछ ठीक नहीं फाल्गुनी जी, पागल को घर में रखा हुआ है। अरे सर पागलखाने में भेजो। पागलखाने में डालो। और हाँ, अगर तुम इनकी शिकायत नहीं करोगी ना तो हम करेंगे इनकी शिकायत पुलिस में शिकायत करेंगे। और फिर अगर अपने घर में रखना है तो बेड़ियों में बांध कर रखो ताकि घर से बाहर भागे नहीं, अभी सर फोड़ देती है 3-4। आप लोग एक इंसान के साथ जानवरों वाला सलूक करने के लिए कह रहे हैं? करने के लिए कह रहे हैं। और हमने तो सिर्फ बांध के रखने को बोला है। करने के लिए क्या है? तो राधा जी की पोल में पली बड़ी हो, कुछ नहीं तो यहाँ के लोगों की भलाई के लिए। अरे बांध दो अपनी सास को, वरना फिर हम कुछ कर बैठेंगे। और हाँ, हमको भी अपनी जान प्यारी है। जान प्यारी है।
फंसने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार। मॉम फाल्गुनी के साथ रह रही, कब से और क्यों? क्यों फाल्गुनी ने उस औरत को पनाह दी जिसकी वजह से हमारे घर की सुख शांति छिनी, जिसने मेरे बच्चे की बार बार जान लेनी चाहिए? था फिर भी बच गया और तुम लोगों के पास आ गया। सुरेश, सुरेश, कुछ मत कहना फाल्गुनी, तुम्हें गलतियां करने की आदत हो चुकी है, ऐसी गलतियां जिन्हें माफी नहीं दी जा सकती। मैं चाहकर भी तुम्हारी इस गलती को माफी नहीं दे सकता। ने एक बार फिर से मेरे सारे दिल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं बेवकूफ था जो सोच रहा था कि तुम कैसे भूल गई फाल्गुनी कि इस औरत ने हमारे बच्चे को बार बार मारने की कोशिश की है। लेकिन तुम्हें इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता क्योंकि गोविंद की तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई अहमियत थी नहीं। मुझे दुख पहुंचाना तुम्हारी आदत बन चुका है और आज एक बार फिर से साबित हो चुका है। मेरी बात सुनिए। नहीं सुनिए तुम्हारी बात। फांस गड़ गई ना? तू रहा मुझसे। मुझे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना है। मुझे अपनी चोट देखने दीजिए। फांस गड़ी है, अगर गड़ी रहेगी तो दर्द पहुंचाएगी आपको। दर्द ही होगा ना, मरूंगा तो नहीं। और दर्द की आदत तो तुम अच्छे से डाल चुकी हो। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटी से चोट नासूर बन जाएगी। चोट तो नासूर बन ही चुकी है, अब अगर हाथ भी काटना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।